हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, जो दोस्तों ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट नामक सब्जेक्ट से रिलेट रखते हैं। तो बिना देरी के, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, यानी 26 क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसमें पूछा गया है, इन द ABC एनालिसिस सिस्टम द बी कैटेगरी स्टैंड्स फॉर तो आउटस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस इन वैल्यू और कंपेरेटिवली अनइम्पोर्टेंट इन वैल्यू और कंपेरेटिवली इम्पोर्टेंट इन वैल्यू एवरेज इम्पोर्टेंस इन वैल्यू। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेज इम्पोर्टेंस इन वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम दैट इज ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर एंड इश्यूड एज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सेफ्टी स्टॉक, लॉट साइज, स्टैंडर्ड डेविएशन और इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉट साइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला इज टेकन यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेट कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट दैट हैपन ईच टाइम एन आइटम इज ऑर्डर्ड। तो कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑर्डर कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ कॉस्ट आर यूजली इन्वॉल्वड इन इन्वेंट्री डिसीजंस एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस, मशीनिंग कॉस्ट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीनिंग कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। दोस्तों, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कौन सा कथन सत्य है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज विद क्वांटिटी पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज विद लो साइज, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव, ये सभी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है, द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रिसीप्ट इन स्टॉक इज नोन एज लीड टाइम, कैरिंग टाइम, शॉर्टेज टाइम, ओवर टाइम। दोस्तों, वो कौन सा टाइम है, किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है लेट टाइम के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम दैट इज यूज टू मैनेज इंडिपेंडेंट डिमांड आइटम्स, ऑर्डर पॉइंट सिस्टम, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, टाइम फेज्ड ऑर्डर पॉइंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम फेज्ड ऑर्डर पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, द टाइप ऑफ इन्वेंट्री मेथड दैट कंप्राइजेज मोर नंबर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज नोन एज पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री मेथड और फिक्स्ड ऑर्डर पीरियड इन्वेंट्री सिस्टम। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द टाइम पीरियड बिटवीन ऑर्डरिंग एन आइटम फॉर रिप्लेनिशमेंट एंड एक्चुअली रिसीविंग द आइटम इनटू इन्वेंट्री इज कॉल्ड एज ऑर्डर साइकिल, लीड टाइम, आइडल टाइम और OTC साइकिल। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीड टाइम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमने टॉप 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।